ओडिशा में फनी साइक्लोन से सरकार एवं विभिन्न राहत दलों ने अपना कुशलता से काम निपटे, लेकिन अभी ग्रामीण का स्थिति क्या है इसके बारे में हमारा कम्युनिटी संवाददाता अशोक कुमार ने कटक के साइतो ग्राम से एक रिपोर्ट भेजी है। फानी तूफान ने हमारे गांव में काफ़ी कहर ढाया है। मेरे घर के ऊपर भी नारियल का पेड़ गिर गया और घर पूरी तरह टूट गया। घर का मलबा भी तूफान में उड़ गया। लगभग यही हालत सारे गांव की है। राहत की बात यह है कि कोई जान हानि नहीं हुई। लोगों ने पहले ही अपने घर खाली कर दिए थे। शुक्रवार और शनिवार को स्थानीय प्रशासन ने मिड डे मील का खाना दिया, लेकिन उसके बाद 3 दिन से हमें किसी प्रकार का खाना नहीं मिल रहा है। फिलहाल किसी तरह से लोग खुद अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं खुद और ग्रामीण लगातार राजस्व निरीक्षक को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है ग्रामीण इलाका में पुनर्वास एवं राहत कार्य अच्छी ढंग से नहीं चल रहा है। ज़्यादातर गाँव में घर सब कच्चे मिट्टी का होता है, जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको सरकार इस बात पर ध्यान देना चाहिए और पहले उन लोग के लिए खाना का बंदोबस्त भी करना चाहिए।